दोस्तों, जो मेरे पास कार है उसका नाम है किया सोल, और ये GT वर्जन है। GT में बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। मेरे को गैप इंश्योरेंस लेनी पड़ी, गैप इंश्योरेंस की रील भी मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं टर्बो टॉयज के इंस्टाग्राम चैनल में। जब मैं कनाडा में आया था तो वो भी मैंने रेंट रेंट पे ली थी, हर्ट्ज से, डॉलर से, मतलब ऑनलाइन आप ले सकते हैं, कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्राइजेज होते हैं। और इंश्योरेंस का भी यहाँ पे चक्कर है, इंश्योरेंस के फॉर्म मैंने भरवाने के लिए भेजा दो तीन जगह, तो वहाँ पे उन्होंने डेट सी गल डाल दी है मेरे लाइसेंस की, जी लाइसेंस की, कि आपकी इंश्योरेंस कम करवा देते हैं। मैंने कहा मेरे को कोई कम नहीं करवानी इंश्योरेंस, आपका जितना प्राइस है जो लीगल बेस में हो सकता है वही कराओ, क्योंकि तो पुरानी डेट्स डाल के शो करके आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है, पर वो गलत काम है। तो वहाँ ना करे गाड़ी थेफ्ट हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब चोरी हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, अगर वो चेकिंग होगी इंश्योरेंस कंपनी से या पुलिस रिपोर्ट पे, तो आपका जी लाइसेंस की डेट्स अगर आपकी गलत डली होंगी तो वो एकदम आपका रिजेक्शन होने के लिए होगी। तो ये कभी गलती मत करिए, कच्चा लालच, छोटा लालच बिल्कुल मत करिए। ये गाड़ी का मैं आपको फीचर बताता हूँ और गाड़ी कैसी है। तो दोस्तों, जो मेरे पास कार है उसका नाम है किया सोल, और ये है वो गाड़ी, आप देख सकते हैं। ये 2022 मॉडल है मेरी किया सोल, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक क्रॉसओवर SUV कह लो आप, लाइक हैचबैक और SUV का मिक्सचर है किया सोल, और ये GT वर्जन है। GT में बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, मतलब गाड़ी में कमाल हो जाती है, पूरी फुली लोडेड कार है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ फीचर्स और इसके गाड़ी के क्या क्या ट्रिम्स हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये गाड़ी बेसिकली मैंने जो ली थी तकरीबन 45,000 की ली थी, क्योंकि ये 45,000 क्यों थी, क्योंकि इसकी जो जो इसका है वेरिएंट, वो GT वेरिएंट है, टॉपेस्ट मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन है। स्टार्टिंग हो जाती है 30,000 के आसपास से किया सोल की, तो मेरी 45,000 की आसपास मेरे को पड़ गई थी। टैक्स वगैरह 13% होता है HST का, तो वो भी लगता ही है। तो उसके साथ साथ मेरे को गैप इंश्योरेंस लेनी पड़ी, गैप इंश्योरेंस की रील भी मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं टर्बो टॉयज के इंस्टाग्राम चैनल में, कि गैप इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। उसके साथ साथ मेरे को एक प्रोटेक्टिव पैकेज लेना पड़ा स्नो के लिए। उसमें स्नो में क्या होता है कि जैसे बर्फ जम जाती है गाड़ी में, तो हाँ जी दोस्तों, जैसे न्यू इमिग्रेंट कोई भी होता है, या न्यू कोई स्टूडेंट है, या कोई वर्क परमिट में, या कोई PR पे है, सबके लिए न्यू इमिग्रेशन के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं न्यू इमिग्रेंट कार्स का जो प्रोग्राम है। तो आप इसके बेसिस पे आपका लोन भी अप्रूव हो सकता है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे बेसिकली सिन नंबर के ऊपर सारा जो प्रोसेस है काम करता है। सिन नंबर स्टार्टिंग में आता है, तो सिन नंबर के ऊपर क्रेडिट बनाना होता है। क्रेडिट बनाने के लिए आपको 3 से 6 महीने लगते हैं, तो उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, जैसे 700 और 850, 750, तकरीबन ये अच्छा स्कोर माना जाता है, मतलब क्रेडिट स्कोर, तो आपका लोन जल्दी अप्रूवल हो जाता है। पर इसको बनाने में, इसको मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन वगैरह आपकी होंगी, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट्स जाएंगी, हर चीज़ होगी, तो उसके बाद ही लोन ऐसे मतलब आपका अप्रूव होता है, फाइनेंस अप्रूव होता है। तो यहाँ पे मेरे को जो मिला, मेरे को मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैश दिया था डाउन पेमेंट तकरीबन $5,000 की, और उसके बाद मेरे को उस टाइम ज़्यादा था जब मैंने लोन लिया, 7 पॉइंट नहीं, मेरे को मेरा था 8.99% में। अभी थोड़ा सा गिर गया है प्राइस, इंटरेस्ट रेट का 7.69% हो गया है। तो उस टाइम मैंने इतना मतलब महंगा लोन लिया था, और कोई चारा नहीं था, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे हर कोई, मतलब स्कूटर ये चीज़ें होती नहीं, ठंड इतनी होती है, तो गाड़ी के बिना गुजारा है ही नहीं है यहाँ पे, तो गाड़ी लेनी बहुत ज़रूरी थी। इमिजिएटली मैंने गाड़ी ली, उससे पहले मैं रेंटल पे गाड़ी चलाई मैंने, मतलब $40-45 पर डे के हिसाब से जब मैं कनाडा में आया था, तो वो भी मैंने रेंट पे ली थी, हर्ट्ज से, डॉलर से, मतलब ऑनलाइन आप ले सकते हैं, कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्राइजेज होते हैं। तो वो मैंने 15 दिन, महीना, हमने मतलब महीने तक रखी मैंने अपने पास, तो काफ़ी खर्चा हो गया था, तो गाड़ी बहुत ज़रूरी थी। तो गाड़ी फिर मैंने पहले काफ़ी जगह धक्के खाए, तो गाड़ी सारा कोई, हर कोई कह रहा है कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर 6 महीने बाद आना, क्रेडिट स्कोर बनेगा नहीं, ये है वो है, तो हम परेशान, गाड़ी कैसे लें। और इतनी बड़ी पेमेंट अभी $40-45 हज़ार की
देना इतना कोई अभी मतलब प्रैक्टिकली सही नहीं लगा मेरे को, दे भी सकते थे बट क्या फ़ायदा, 40-47 हज़ार डॉलर एकदम मतलब चले जाएंगे। फाइनेंस पे हर चीज़ यहाँ फाइनेंस पे होती है, 0% डाउन होती है और हर चीज़ लोग फाइनेंस पे यहाँ पे लेते हैं, छोटी से बड़ी चीज़। तो मैंने कहा अपने पैसे क्यों ख़राब करें, तो फिर मैंने लाइक अपना लोन के लिए अप्रूवल के लिए मैंने पहले लोकल डीलरशिप काफ़ी जगह गया, यूज़ कार डीलरशिप, तो सबने मना कर दिया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम के पास भी गया जो बड़े बड़े बातें करते थे, हम कर देंगे अप्रूवल करा देंगे ये वो, सब नहीं मना कर दिया, कहते 6 महीने बाद आना। अभी मैं उनको मैंने अपना कोई प्रोफाइल बताया नहीं था, इंडिया से मैं कार डीलरशिप से बिलोंग करता हूँ और 15-18 साल मैंने काम किया है इंडिया में। अभी तक मैंने नॉर्मल हर की मतलब क्वेरी करा था हर एक के पास जाके, तो मैंने अपने कोई बताया नहीं कि मैं इसी फील्ड से हूँ, इसी लाइन से हूँ। सबको देख रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, बातें सारे यहाँ पे करते थे, करता कोई कुछ नहीं था। तो फिर एंड में जाके मेरे को किया ब्रामटन में है जो बुवेड रोड पे, वहाँ पे मतलब मेरे को मिले हर्षुल और उनके सीनियर हैं, हर्षुल भी दिल्ली से है, तो उसने फिर एक बारी कहा पाजी ट्राई कर लेते हैं, मतलब चांसेस नहीं है बट हम ट्राई कर लेते हैं, मतलब हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ तो एक लक भी है, कई बार न्यू इमिग्रेंट प्रोग्राम में हो जाता है। तो हमने फाइल डाल दी तो हमारा लोन अप्रूवल हो गया, मतलब हफ्ता लगा। तो फिर हमने 2000 ये जो 23 थी किया सोल ये गाड़ी उठाई हमने, हम एकदम पसंद आ गई। और ये मैंने यूज्ड कार ली थी उस टाइम, 3,000 किलोमीटर चली हुई थी। इसमें सबसे बड़ी बात थी मेरे को, एक तो थोड़ी सी मतलब ग्राउंड लेवल ऊंचा चाहिए था गाड़ी का, एक मेरे फ्रेंड के पास भी ये गाड़ी, दो फ्रेंड्स के पास सेम गाड़ी है तो बहुत कंफर्टेबल रही उनके लिए, बड़ा एंजॉय किया उन्होंने इस गाड़ी पे। तो मैंने उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कहा चल मैं भी यही गाड़ी लेता हूँ, और अच्छी भी थी, बड़ी शेप, बड़ी टॉय कार से लगती है, तो ये बिल्कुल नई शेप आई थी 2023 में, तो मैंने ये ले ली। तो इसमें फीचर सारे थे, इकोनॉमिकल कार थी, 2 लीटर इंजन है, मतलब 4 सिलेंडर कार है, मतलब बहुत रिजनेबल है, प्रीमियम ऑयल जैसे हर गाड़ी में डालते हैं इसमें जरूरत नहीं है, मतलब आप जो गैस है जैसे पेट्रोल आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, बाकी गाड़ियों में आपको प्रीमियम डालना पड़ता है तो भी खर्चा बढ़ जाता है, ऑयल चेंज कराना होता है बाकी गाड़ियों में वो भी बहुत खर्चा है, वो लोग प्रीमियम कहते हैं और बहुत महंगा आता है, डबल प्राइस का आता है, तो इसमें नॉर्मल ऑयल डलता है किया सोल में। तो मेरे को तो फिर बेनिफिट लगा, मैं अगर आफ्टर एक्सपेंसेस भी बहुत कम है तो फिर मैं कहा चल इसको फाइनल करते हैं। तो ये फाइनल करके मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द किया सोल, वेरी हैप्पी, मतलब बाबा जी टच वुड, मतलब बाबा जी मेहर करें आगे भी कृपा बना के रखें, अच्छी गाड़ी है मेरे को अच्छी मिली है। फिर मैंने लाइक 5,000 डाउन दिया तो वहाँ पे मेरा लोन अप्रूवल होगा, बाकी बाई वीकली मेरी पेमेंट्स है, यहाँ पे दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, बाई वीकली या मंथली, और इंश्योरेंस मेरी 450 के आसपास की है क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट ईयर था कनाडा में, तो इंश्योरेंस महंगी होती है, ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा महंगी होती है, बाकी दूर दूर जाते रहेंगे ब्रैम्पटन से तो हर जगह सस्ती है, मतलब 450 की जैसे ब्रैम्पटन में है, तो अगर आप जैसे कि इटोबिकोक, लंदन, किचनर, कैम्ब्रिज कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ आपके 200 की प्राइस की है, क्यूबिक में 100-150 की इंश्योरेंस है, मतलब मंथली इंश्योरेंस मंथली आती है यहाँ पे। कार्स आप बाई वीकली कर सकते हैं, बाई वीकली मेरी जो बन रही है तकरीबन 297 की बन रही है और 600 डॉलर समझ लो अप्रॉक्सीमेटली महीने की मेरी EMI बनती है इस किया सोल की, प्लस 450 की इंश्योरेंस है, फुल कवरेज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है और फुल ले करो, सबसे हैवी इंश्योरेंस लो, यहाँ पे रूल्स बड़े गंदे हैं, मतलब चलते चलते मतलब बंदों पे लग गई कुछ हो गया तो मतलब एकदम सू कर देते हैं मिलियन मिलियन डॉलर्स, तो इंश्योरेंस आपकी बहुत हैवी होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इंश्योरेंस का भी यहाँ पे चक्कर है, इंश्योरेंस के फॉर्म मैंने भरवाने के लिए भेजा 2-3 जगह, तो वहाँ पे उन्होंने डेट सी गल डाल दी है मेरे लाइसेंस की, जी लाइसेंस की, कि आपकी इंश्योरेंस कम करवा देते हैं। मैंने कहा मेरे को कोई कम नहीं करवानी इंश्योरेंस, आपका जितना प्राइस है जो लीगल बेस में हो सकता है वही कराओ, क्योंकि पुरानी डेट्स डाल के शो करके आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है, पर वो गलत काम है, भगवान ना करे गाड़ी थेफ्ट हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब चोरी हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, अगर वो चेकिंग होगी इंश्योरेंस कंपनी से या पुलिस रिकॉर्ड पे तो आपका जी लाइसेंस की डेट्स अगर आपकी गलत डली होंगी तो वो एकदम आपका रिजेक्शन हो जाएगी लोन की। तो ये कभी गलती मत करिए, कच्चा लालच, छोटा लालच बिल्कुल मत करिए। तो इंश्योरेंस मैंने पूरी दे रहा हूँ, महंगी दे रहा हूँ मेरे को पता है, बट एक पीस ऑफ माइंड तो है। तो आप भी किसी की बातों में मत आइए, यहाँ के इंडियन पंजाबी लोग मतलब सारे हमारे देसी लोग यही बस जो इंडिया में करते थे वो यहाँ पे भी कर रहे हैं जुगाड़बाजी, तो वो जुगाड़बाजी का कोई फ़ायदा नहीं है, कच्चा लालच है, शॉर्ट वे है, उससे दूर रहिए, प्रॉपर चेक करिए पेपर्स जो आप साइन कर रहे हैं कि आपने उन्होंने डेट्स क्या लिखी हैं आपकी इंश्योरेंस के अंदर,
वैसे आपको लेनी चाहिए इंश्योरेंस, पूरी स्टडी करके, पूरा रीड करके डॉक्यूमेंट्स, तब आप अपना देखो, अपनी डेट्स देखो कि उसने कौन सी डाली है, कैसी डाली है। इस प्रकार आप इंश्योरेंस गाड़ी की आप ले सकते हो। मतलब ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया आपको मैं बता रहा हूँ। और लाइसेंस के ऊपर फिर हमारा लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हमारा 1 महीना हो चुका था तब भी हमारा अप्रूवल आ गया, मतलब वी वर लकी। तो काफ़ी सारे हमारे काम मतलब बाबा जी ने वैसे ही संवार दिए, तो गाड़ी बहुत अच्छी मिली मेरे को। ये गाड़ी का मैं आपको फीचर्स बताता हूँ और गाड़ी कैसी है, मतलब यहाँ पे तो बहुत चलती है गाड़ी। और 2002 या 3 से मतलब ये किया सोल मैन्युफैक्चर हो रही है नॉर्थ अमेरिका में। तो आइए बता आपको दिखाता हूँ गाड़ी की पूरी डिटेल्स फीचर्स। तो कोई भी क्वेरी करनी है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, कुछ करना है आपको, कुछ पूछना है इंश्योरेंस का या कोई बाई वीकली का, कोई लोन का, फाइनेंस का, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, तो सारा आपको मैं गाइड कर दूंगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आइए आपको दिखाता हूँ फीचर्स गाड़ी के क्या क्या हैं। दोस्तों ये है किया सोल 2023 अलॉयज, देख लीजिए कार बहुत फुली लोडेड फीचर से है, देख सकते हैं मतलब जैसे लगता है टॉय कार है। सनरूफ भी है इसमें, और सबसे अच्छा फीचर है सॉफ्ट टच है, ओपन अनलॉक लॉक का, लॉक हो गया, ओपन हो गया। ये गाड़ी के कलर है लाइक रेड कॉम्बिनेशन में है जीटी में बेसिकली, आप देख सकते हैं इसके ट्रिम्स। और जो स्पीकर्स लगे हैं हार्मन कार्डन के, इसका स्टीयरिंग पूरा जीटी जैसे कार्स का होता है, स्पोर्ट्स कार का वैसी है ये, इसका एक ब्रांडिंग हुई हुई है जीटी की। सारे ट्रिम्स, फॉरवर्ड सीट्स हैं इसमें, और सबसे बड़ा फीचर होता है कनाडा में हीटेड सीट्स का, मतलब सीट गर्म हो जाती है आगे की पीछे की, और स्टीयरिंग भी गर्म हो जाता है, हीटेड स्टीयरिंग। ये सारे फीचर्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये इसका हेड डिस्प्ले भी है, आपको दिखाता हूँ। ये इसके लाइक पूरे ट्रिम्स हैं, लाइक ये इसके फीचर्स शो कर रहे हैं, और मैं हेड डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ इसका, ये बहुत अच्छा फीचर है। ये देखिए पूरा मतलब इसमें पावर माउंटेड कंट्रोल्स हैं, टच स्क्रीन है, और ये फीचर्स होते हैं इसमें लाइक ये है लाइक सीट को कूल करने के लिए, हीटेड और कूल्ड सीट्स दोनों के ऑप्शंस हैं, मतलब ये कूल करने के लिए ठंडी हो जाएंगे पूरी सीट्स, ओके ये गर्म हो जाएंगी, ये देखिए 1 2 3 ये ठंडी हो जाएंगी, ये ब्लू आ रहा है इसमें। ये सीट्स ठंडी गर्म करने के लिए, ड्राइव मोड कोई भी आप चला लो, स्पोर्ट्स नॉर्मल, हम तो नॉर्मल में चलाते हैं। ये एक फीचर है स्टीयरिंग हीट का, मतलब ये करेंगे हीट, स्टीयरिंग हीट हो जाएगा, और पीछे और राइट साइड की सीट्स का यहाँ से ऑपरेशन है, मतलब देख सकते हैं मतलब कितना प्यारा सा ये सनरूफ है। रेड के साथ कॉम्बिनेशन है, लो जी हिंदी गाना, क्या बात है, कनाडा में बल्ले बल्ले जी। ये इसके लाइक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, स्पेस देखो कितनी है, ये मेरा सॉरी ठट्ठा का मेरी जेल स्प्रे, यू नो लाइक दाढ़ी के लिए लगता हूँ, क्योंकि कभी बार शूट पे जाना पड़ जाता है इमिडिएटली, तो फटाफट ग्रूमिंग करनी पड़ती जी अपनी। टायर्स देखिए इसके 18 इंची के टायर्स हैं, अलॉयज देखिए कितने सुंदर अलॉयज हैं,
गाड़ी बंद नहीं करी मैं। ये मेरी जैकेट, ये देखिए सीट्स, इसमें भी लाइक आर्मरेस्ट है, स्पेशियस है काफी, हेडरूम वगैरह सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, मतलब फीचर्स बहुत अच्छे हैं गाड़ी में। ये इसका डिक्की का बूट स्पेस है, इतना बड़ा है देखो। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये पूरा लाइक कैबिन बन जाता है पूरा का पूरा। आप इसमें कोई लगेज लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा लगेज, एयरपोर्ट जाना है, कुछ करना है, तो पूरा का पूरा लगेज आ जाता है इसमें। ये फायदा है इसका, इस बेस्ट पार्ट मेरे को इस गाड़ी का यही लगा है मेरे को। हो जा भाई। लाइट्स वगैरह है सारी, जैसे रात को जलती हैं इसमें, ये भी लाइट्स है सारी। सारी लेदर सीट्स है, स्पेस देखो पूरा, मतलब कप होल्डर्स, ग्लास होल्डर्स। ये पीछे की सीट्स का हीट करने के लिए, इसको दबाएंगे तो पीछे की सीट्स हीट हो जाती हैं। हैंकुक के टायर्स लगे हुए हैं गाड़ी में, जबरदस्त गाड़ी लगती है मेरे को यार। आप बताओ क्या कमी है गाड़ी में, ब्यूटीफुल लगती है। टॉय कार, इट्स लाइक क्रॉस ओवर एसयूवी कह सकते हैं इसको। तो ये सारे फीचर्स हैं, और इसमें हेड डिस्प्ले का आपको बता ही दिया, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छा है, और लेन असिस्ट है। लेन असिस्ट का मतलब कि आप जैसे अपनी लेन से बाहर हो रहे हैं, तो वो आप अपने आप स्टेयरिंग करके, मूव करके उसे लेन पे ले आएगा आपको, उसको लेन असिस्ट कहते हैं। ये वाला फीचर है, ये वाला। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स हैं गाड़ी में, लेदर सीट्स हैं, कंफर्टेबल गाड़ी है, एवरेज भी अच्छी है गाड़ी की, मतलब 13-14 के आसपास की एवरेज दे देती है, 14-15 की एवरेज दे देती है यहाँ पे। और टिंटेड ग्लास है पीछे, कंपनी फिटेड ही आते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन है इसका। ये इसका जीटी लोगो, जीटी लाइन, किया सोल, बहुत अच्छी कार है। मैं भी कार डीलर हूँ आपको पता है, तो मेरे को सबसे बेस्ट ये लगी है। मेरे को सेडान अच्छी नहीं लगती हैं, ये तो बहुत नीचे होती हैं, और ठीक है हर एक की अपनी पसंद है, और फिर यहाँ पे स्नो भी बहुत होती है, बड़ी दिक्कत आती है। तो ये मेरी किया सोल है, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, डिटेल्स मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी दी है इसमें, काफ़ी दी है, गाड़ी लेते हुए करना कैसा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो आप गौर करिए, हर चीज़ के पॉइंट्स चेक करिए। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कनाडा के अंदर भी कोई क्वेरी करनी हो आपको, फाइनेंस रिलेटेड एनीथिंग, लाइक कोई सर्विस, कोई पेंट, कुछ भी, मतलब तो आपके लिए हाजिर हूँ मैं, जसमीत भाजी आपका। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी कार आपको, अच्छी लगी तो ज़रूर, आप भी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक बार मेरे को आप डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको कोई अच्छी बेस्ट ऑप्शंस बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच, और एनीथिंग कुछ भी तो क्वेरी हो तो आप मेरे को बताइए। जो आपको पता है मेरा कोट है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। बाय गाइस।